दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, झारखंड के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलकर लोगों ने, वहां के लोगों ने सत्ता बनाने के लिए उनको आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, आप सबको जानना पड़ेगा, झारखंड में जिस तरह लोगों ने निर्णय लिया, हिंदू मुसलमान के झगड़े में ना जाते हुए लोगों ने अपनी एकता की वहां पर एक अच्छी मिसाल कायम की है। इसी तरह आने वाले हर चुनाव में देश की जनता एक अच्छा मिसाल कायम करे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। दोस्तों, आज एनआरसी सीडब्ल्यू एक्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सड़कों पर आ रहे हैं। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि मैं सीडब्ल्यू एक्ट जैसे ही खत्म होगा, मैं देश भर घुसपैठियों को भगाने के लिए एनआरसी लागू करूंगा। दूसरी तरफ रामलीला मैदान पर चिल्ला चिल्ला कर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमने कहीं पर भी एनआरसी लागू करने की बात नहीं कही है। लोगों को गुमराह करने के ये दो लोग गुमराह कर लोगों को आज ये बता रहे हैं कि ये देश के हित में काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज देश में कितने लोगों को रोजगार नहीं है, कितने लोगों को रहने के लिए छत नहीं है, इतने लोग रोनो रहने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को लाकर यहाँ पर उनको नागरिकता देने की। दोस्तों, आज यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, तो वहाँ के लोगों को लाकर आप यहाँ रोजगार देने की कैसी बात करते हैं? कभी पाकिस्तान के नाम पे आप चिढ़ते थे, आज पाकिस्तान से लोगों को लाने की बात करते हैं। कभी बांग्लादेश से लोगों के नाम लेने से आप लोग चिढ़ते थे, आज बांग्लादेश से लोग ला रहे हैं, अफगानिस्तान से लोगों को लाने की बात करते हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 70-80 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी आज हालात क्या है? उन लोगों के लिए आपने 6 साल में क्या काम किया? आज GDP 4% तक गिर गई है 9% से। आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए और आज रुपये की कीमत दिन ब दिन गिरते जा रही है। आज कच्चा तेल जो मिलना है हमें विदेशों से लेते हैं, उसका आज रेट बढ़ गया है। दोस्तों, रोजमर्रा खाने की चीज जो मिलना चाहिए गरीबों को, आज वो महंगी सी महंगी हो रही है। प्याज महंगी हो रही है, खाने पीने की सब्जियां महंगी हो रही है, तो इसका आपके पास कोई जवाब नहीं। आपकी पूरी इकोनॉमी गिर गई है देश की, इसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा लाते हैं। 2019 के चुनाव में आपने पुलवामा अटैक के बीच में आपने चुनाव पूरा खत्म कर लिया। अब एनआरसी सीडब्ल्यू एक्ट लाकर दिल्ली और असम के चुनाव पे आपकी नजर है, वहां पर भी आपको लोग सही से सबक सिखाएंगे, जिस तरह से झारखंड के लोगों ने आपको आपको घर भेजा है। वो दिन दूर नहीं है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, समझ जाइए, आपको देश से, आपको सत्ता से हटाने के लिए ये जनता, ये वही जनता है जिसने आपको 2014 और 2019 में आपको पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाई। आज वही जनता के ऊपर आप गोलीबार करते हैं, करीबन 28 लोग मर चुके हैं इस बिल लागू होने से। दोस्तों, कर्नाटक में आप देख सकते हैं BS येडियुरप्पा जब ये मुख्यमंत्री बने, करीब कभी किसानों को गोलीबार करते हैं। किसान जब बीज खेतों में उगाने के लिए, बीज के लिए सड़कों पे आते हैं, तो उनके ऊपर आपने गोलीबार कर दिया। कभी युवा इंसाफ मांगने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर आपने गोलीबार मार कर उनको मार दिया। दोस्तों, इन मरे हुए लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके घर की हालत आज क्या है, उनके ऊपर क्या बीत रही, या आप सबको जानना होगा। ऐसी देश विरोधी सरकार को आपको सत्ता से हटाना होगा। आने वाले हर चुनाव में बीजेपी की पार्टी को आपको सत्ता से हटाना होगा। दोस्तों, मेरी यही विनती है, आप संविधान पे विश्वास रखिए। ये संविधान विरोधी है, ये देश के बंटवारे की बात करते हैं। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई के नारे पे चलने वाला ये मेरा हिंदुस्तान हमेशा मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसे कोई जुदा नहीं कर सकते हम सबको। जय हिंद, नमस्ते।